हेलो एवरी वन वेलकम टू श्री राम जिस यूट्यूब चैनल दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ और इस सेशन के अंदर हम कवर करेंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो न्यूज़ में हैं दैट इज एसोसिएटेड दैट आर एसोसिएटेड विद फोर्थ ऑफ मे ट्वेंटी तो यहाँ पर जो एडिटोरियल न्यूज़ में एक इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे और साथ ही साथ ऐसा है मैंशन कि कल एक एडिटोरियल आया था दैट वाज रिगार्डिंग ब्लिंकेट वर्कर्स वाई दे आर प्रोटेस्टिंग और इस आर्टिकल के थ्रू बेसिकली इस एडिटोरियल के अंदर ब्लिंकेट वर्कर्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके रेफरेंस में उन्होंने गिग इकॉनमी के बारे में आर्टिकल में राइटर ने मेंशन किया तो अगर आप कंसिस्टेंट हैं विद दी सेशंस तो आपको पता होगा कि आ, हम ऑलरेडी कि क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं द रीज़न बिहाइंड इट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड तो इसीलिए मैं बोलती हूँ मेक श्योर कि आप डेली सेशंस में रहें और कोई भी दिन स्किप मत करें राइट right. अब यहाँ पर आज जो कवर करने वाले हैं हेयर इज़ अ कंप्लीट लिस्ट मैं आपके लिए लिस्ट पढ़ देती हूँ और क्या क्या है लेट्स हैव अ लुक ओवर इट पहले तो हम मिशन करम योगी के बारे में पढ़ेंगे जो आपके जीएस पेपर टू से लिंक करता है क्या है ये मिशन ये बेसिकली सिविल सर्वेंट्स की कैपेसिटी बिल्डिंग की बात कर रहा है जो आप प्रिपेरेशन कर रहे हो अपनी तो वहाँ पर ये मिशन क्या कहता है ऐसा नहीं होता ना कि आज एग्ज़ाम क्लियर किया प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू आई बन गए तो बात ख़त्म हो गई वहाँ से तो अब असली कहानी शुरू होगी राइट सो so, ये मिशन कर्म योगी किसके रिगार्डिंग मतलब जो सिविल सर्वेंट्स हैं जो सिविल एस सर्वेंट्स के रिगार्डिंग जो बातें कर रहा है दै कैपेसिटी बिल्डिंग सो विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल ये आपके जी पेपर टू से भी लिंक करता है फिर उसके बाद हम बात करेंगे स्टार, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के बारे में ये बेसिकली स्कीम क्या है स्टार्टअप्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए है वो फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए है आइडिया है सबके पास लेकिन वो आइडिया को नर्चर करना कैसे होगा पैसे नहीं है राइट तो गवर्नमेंट है आपके पास बस एक इनोवेटिव आइडिया होना चाहिए जो कोई भी एक चैलेंज को सॉल्व कर रहे हो आप राइट कोई भी एक इशू को आप टैकल कर रहे हो लेकिन दिक्कत अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस की है तो गवर्नमेंट इज़ देयर फॉर यू जहाँ पर आपको फाइनेंशियल एक्सेस जो है वो प्रोवाइड किया जाए तो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम इसी के विद रिस्पेक्ट टू में है जीएस पेपर टू से भी आप इसको लिंक कर सकते हो नेक्स्ट इन न्यूज इज अंजी ब्रिज ये ब्रिज अभी जम्मू एंड कश्मीर में है एंड ये अंजी रिवर पे विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब रिवर तो ये आपको अब रिवर के बारे में भी पता होना चाहिए दैट गोज विद जीएस पेपर वन सो क्या है कहाँ पर है प्रिलिम्स से काफी यहाँ सवाल बन सकते हैं तो प्रिलिम्स पॉइंटर्स आप यहाँ से ले सकते हो ब्लू बगिंग के बारे में बात करेंगे जीएस पेपर थ्री से लिंक करता है ये बात करता है सिक्योरिटी रिलेटेड बातें हैं यहाँ पर देखो वन uh, पेटिया ये टर्म्स न्यूज़ में थी 2018 में तो यूपीएससी ने सवाल पूछ लिया ये टर्म किससे एसोसिएटेड है अभी हमने रैनसम वेयर लॉक बेट अभी ब्लू बगिंग तो ये टर्म्स किससे एसोसिएटेड हैं ये पता होना चाहिए क्या है ये क्या से होता है इसके अंदर सो विल टॉक अबाउट इट नेक्स्ट इज़ इथेनॉल सेक्टर से रिलेटेड यहाँ पर बातें हैं ग्रोथ ऑफ इथेनॉल सेक्टर राइट right. सो so, जो हमारे प्रोग्राम्स हैं कितने परसेंट की ब्लेंडिंग है व्हाट इज़ इथेनॉल तो मैं इसको बेसिक से कवर करूंगी और ये न्यूज़ में क्यों है वी आल्सो हैव अ लुक ओवर इट फिर आज हम दो एडिटोरियल्स देखेंगे एक एडिटोरियल तो एज आई मेंशन गिग इकोमी पे बात कर रहा है ब्लैंकेट वर्कर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके रेफरेंस पे एंड द सेकेंड एडिटोरियल इज़ गेंटेड पेंशन इज नॉट बैड इकोनॉमिक्स तो यहाँ पर आप जो ओल्ड पेंशन सिस्टम है और जो न्यू पेंशन सिस्टम है उसका अगर आपको डिफरेंस पता है तो बस यही वो आर्टिकल है कि अब क्या है ना द बेसिकली कुछ स्टेट्स में दे वर स्विचिंग बैक टू दी ओल्ड पेंशन सिस्टम आर्टिकल में मैंशन है कि इट इज़ बेसिकली दिस पेंशन सिस्टम ओल्ड पेंशन पे अगर आप स्विच कर रहे हो सो इट इज़ नॉट गुड वाई विल टॉक अबाउट इट एवरी थिंग इन डिटेल सो क्योंकि यहाँ पर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर इन दोनों के बारे में हो गई तो पिक्चर क्लैरिटी आपने आप आ जाएगी किसी भी टॉपिक की इस टॉपिक की तो स्पेसिफिकली अब हम बात करेंगे ही सही सो दिस इज अ कम्प्लीट लिस्ट आई होप अब आपको ये लिस्ट पता चली गई है तो स्टार्ट करते हैं फिर एंड लेट्स हैव अ लुक ओवर द फर्स्ट आर्टिकल पहला जो आर्टिकल है वो है मिशन करम योगी के ऊपर आप इसको जीएस पेपर टू से लिंक कर सकते हो यहाँ पे जो आप डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं आप देख सकते हो रिसेंटली उन्होंने मिशन करम योगी की बात करी एंड ही सेड दैट द मिशन दैट वाज लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर हैड इंस्टीट्यूशनलाइज द प्रोसेस ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग पर्टिकुलरली फॉर द बेनिफिट ऑफ सिविल सर्वेंट्स जिसका एम है टू शेप द सेंचुरी इन इंडिया ऑफ 2047 तो मिशन कर्मयोगी क्या है पहला सवाल तो यही बनता है ना कि मतलब पहला और आखिरी सवाल ही यही है कि मिशन कर्मयोगी क्या है एक प्रोग्राम है जिसका एम है सिविल सर्वेंट्स को हेल्प करना हु आर बेसिकली प्रोग्राम दैट मिशन मिशन करम योगी दिस टॉक्स अबाउट इट वॉन्ट टू हेल्प द सिविल सर्वेंट सो दैट द बिकम मोर क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिव मोर इनोवेटिव बाई यूजिंग द टेक्नोलॉजी बाई बींग मोर ट्रांसपेरेंट सो ये मिशन करम योगी जो है ये इसका एम है टू प्रिपेयर सिविल सर्वेंट्स फॉर द फ्यूचर ताकि वो क्रिएटिव हों मोर कंस्ट्रक्टिव हों मोर इनोवेटिव हों सो इट वॉन्ट टू ले द फाउंडेशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स आप देख ही सकते हो ये मिशन फोकस कर रहा है दो चीज़ों पे ऑन साइड लर्निंग एंड ऑफ साइड लर्निंग कुछ चीज़ें तो होती हैं जो हमें बुक से समझ आती हैं कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके आसपास सोसाइटी में हो रहा है उससे समझ आती हैं ऑब्जर्वेशन स्किल्स कैसी हैं आपकी तो ये मिशन भी यही बात करता है ये प्रोग्राम फोकस करता है ऑन ऑन साइड लर्निंग एंड ऑफ साइड लर्निंग ऑन साइड लर्निंग मतलब जो आप अपने जॉब में वो आर लर्निंग एट योर जॉब दैट इज ऑन साइड लर्निंग ऑफ़ साइड लर्निंग इस जब आप अपने जॉब से बाहर आउटसाइड योर जॉब आपको सीखते हो जैसे आप कहीं काम करने गए आपकी लोकेशन हो गई लाइक बैंगलोर आप वहाँ जॉब कर रहे हो ठीक है वो जो आपके जॉब से जो आपको लर्निंग मिल रही है दैट इज़ ऑन साइड लेकिन आउटसाइड योर जॉब जब आप जो बैंगलौर गए आसपास आपने देखा जगह देखी आ, कल्चर देखा और आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स जैसे फिर जैसे आप डेली में ही सिविल सर्वेंट जो हैं वो आ, जब एक रूम में रहते हैं रेंट पर रहते हैं तो वो आस जो उन्होंने अपने वहाँ से सीखा हम बोलते हैं ना कि सिविल सर्वेंट जो है सिविल एस्पिरेंट्स अपने जर्नी के टाइम पे जो जैसे इवॉल्व होते हैं वो जर्नी काफ़ी कुछ सिखा देती है सो दैट इज़ आउटसाइड द जॉब दैट यू आर लर्निंग राइट सो ये मिशन जो है इसी पे ही फोकस करता है वेयर दिस मिशन वांट्स द सिविल सर्वेंट्स टू लर्न टू ग्रो एंड दे कैन डू देयर जॉब्स इवन बेटर सो दैट इन द फ्यूचर राइट सो यहाँ पर ये एक मैकेनिज्म है टू कॉन्टीन्यूसली बिल्ड द कैपेसिटी अपडेट द टैलेंट पूल प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर दी पर्सनल ग्रोथ as वेल well as प्रोफेशनल ग्रोथ तो ये मिशन फोकस करता है कि रूल स्पेसिफिक ना होके ये फोकस जो है शिफ्ट करता है टू रोल स्पेसिफिक बहुत ही अच्छी बात है ये जो आपके रोल स्पेसिफिक रेदर देन बीइंग रूल स्पेसिफिक फोकसिंग टू द रोल स्पेसिफिक जो आपका रोल है आप अब लोगों के लिए काम करोगे आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे किस तरीके से काम करोगे तो उस तरीके से ये मिशन जो है फोकस करता है नज़रिया होता है ना प्रस्पेक्टिव प्रस्पेक्टिव की बात है सो इट ट्रेन्स ऑफिसर टू मीट द चैलेंजेस ऑफ द सोसाइटी हैव राइट एटीट्यूड स्किल्स नॉलेज दैट ऑल आर अलाइन टू द विजन ऑफ न्यू इंडिया तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव uh, बॉडीज़ के अंदर भी इट विल बी स्टेय बाय फोर न्यू बॉडीज तो ये कौन कौन सी हैं ये भी आपको पता होना चाहिए तो ये जो मिशन है ना दिस मेक श्योर कि

कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की ये हेल्प करेगी टू डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दैट सिविल सर्वेंट्स विल गो थ्रू है ना टू बिकम बेटर एट देयर जॉब्स फिर उसके बाद देखो स्पेशल परपज व्हीकल एस पी वी ये थर्ड बॉडी है दैट इज दैट विल बी इन चार्ज ऑफ इन चार्ज ऑफ डिजिटल एसेट्स टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म जो यूज़ करे जाएंगे ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए फिर उसके बाद फोर्थ इज कोऑर्डिनेशन यूनिट तो कोऑर्डिनेशन यूनिट जो है दिस ग्रुप विल बी लेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी हु वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन द गवर्नमेंट आप सब प्रिपेयर ही कर रहे हो इस चीज के लिए तो आपको पता ही होगा सो दे विल मेक श्योर कि बाकी जितने भी बॉडीज हैं दे आर वर्किंग टूगेदर एंड एवरी थिंग इज रनिंग स्मूथली सो दीज ऑल आर दोर बॉडीज द एग्जीक्यूटिंग बॉडीज इन दिस पर्टिकुलर मिशन दैट इज मिशन करम योगी ठीक है चलिए अगला आर्टिकल जो है वो बात करता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर इज अंडरटेकिंग थर्ड पार्टी असेसमेंट ऑफ 945 करोड़ स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम टू सी इट्स इम्पैक्ट ऑन दी ग्राउंड तो ये जो डिपार्टमेंट है ना स्टार्टअप इंडिया सीड स्कीम बेसिकली क्या है एक प्रोग्राम है जिसका एम है टू सपोर्ट न्यू स्टार्टअप इन द कंट्री बिल्कुल जो फंडिंग चाहिए उनको वो दो गेट दैन स्टार्टेड काम करें जो जो आइडिया है वो उसको आगे लेकर जाएँ सो ए प्रोग्राम हैज़ रिसीव लाइक लॉर्ड ऑफ मनी विद रुपीज़ नाइन फोर्टी फाइव करोड़ बींग एलोकेट टू इट अब टू मेक श्योर कि आपने पैसा एलोकेट किया अब ये भी तो देखना है कि जिस चीज के लिए किया वो चीज़ें सही हो भी रही हैं या नहीं हाउ सक्सेसफुल दे हैव बीन इन द बिजनेस सो यहाँ क्या होगा ना द डी पी आई आई टी मतलब जो डिपार्टमेंट है इज अंडरटेकिंग अ थर्ड पार्टी असेसमेंट थर्ड पार्टी असेसमेंट मीन्स दे विल हायर एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो इस प्रोग्राम को इवेल्युएट करेगी जो देखेगी कि हाउ थिंग्स आर डूइंग ऑन द ग्राउंड दिस असेसमेंट विल लुक इन टू की कितने स्टार्टअप्स को सपोर्ट मिला है कितने की कि फंडिंग कितनों को फंडिंग रिसीव हुई है कितने बिजनेसिस सक्सेसफुल हुए हैं ये असेसमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हेल्प करेगी इस स्कीम के बारे में समझने में कि जो इम्पैक्ट स्कीम ने एक्चुअल में डाला है जो हमने सोचा था क्या चेंजेस अभी और हम कर सकते हैं और इज इट इफेक्टिव इन सपोर्टिंग द न्यू स्टार्टअप इन द कंट्री इफ यस टू वट एक्सटेंट तो ये चीज़ें जो हैं दैट विल बी अ टेकन केयर ऑफ ड्यू टू बाई दिस थर्ड पार्टी असेसमेंट रही बात स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम की तो 2021 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी फाइनेंशियल असिस्टेंस जैसा ही मैंशन ये देने के लिए है टू द स्टार्टअप फॉर द प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट प्रोटोटाइप डेवलपमेंट इन सब चीजों के लिए तो यहां पर आप देख सकते हो जो एक्सपोर्ट अप्रेजल कमेटी है या एक्सपोर्ट एडवाइसरी कमेटी ये जो कमेटी है इट 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 बेसिकली राइट right, जो सिलेक्टेड इनक्यूबेटर्स होंगे दे विल प्रोवाइड स्टार्टअप्स विद अप टू रुपीज ट्वेंटी लैख फॉर द वैलिडेशन ऑफ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट प्रोटोटाइप डेवलपमेंट प्रोडक्ट ट्राइज टू द स्टार्टअप राइट सो ओवरऑल ये जो प्रोग्राम है ये इट वॉज इन इफेक्ट फ्रॉम ट्वेंटी ट्वेंटी वन एंड इट इज फॉर अ पीरियड ऑफ फॉर ईयर्स कॉर्पस नाइन फोर्टी फाइव करोड़ का है डिपार्टमेंट बता ही दिया डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है कौन कौन से स्टार्टअप एलिजिबल हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर कोई भी रिकोगनाइज स्टार्टअप इनकॉर्पोरेटेड नॉट मोर देन टू ईयर अगो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन दे शुड हैव अ बिजनेस आइडिया स्कोप ऑफ स्केलिंग हो स्टार्टअप शुड बी यूजिंग टेक्नोलॉजी इन देयर कोर प्रोडक्ट्स राइट स्टार्टअप शुड नॉट हैव है मोर देन टेन लैक ऑफ द मोनिटरी सपोर्ट अंडर एनी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट स्कीम मतलब ऑलरेडी अगर आप दस लाख ,00 से ज़्यादा का मॉनिटरी सपोर्ट ले रहे हो किसी और स्कीम से चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो तो यूर यू आर नॉट एलिजिबल देन इन दिस स्कीम एंड शेयर होल्डिंग बाय द इंडियन प्रमोटर्स इन द स्टार्टअप वो एटलीस्ट फिफ्टी वन परसेंट होनी चाहिए सो so ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर स्टार्टअप राइट चलते हैं अगले आर्टिकल के ऊपर दैट इज ब्लू बगिंग ब्लू बगिंग ब्लू स्टैंड फॉर ब्लूटूथ है ब्लूटूथ से डिवाइस कनेक्ट करते हैं ना ब्लूटूथ ऑन करते हैं डिवाइसेस पेयर करते हैं सो so बस यही बात हो रही है कि ब्लू बगिंग वो मलेशियस अटैक है जो को अलाउ करता है टू गेन दी एक्सेस टू योर ब्लूटूथ एनेबल्ड डिवाइस जब आपने ब्लूटूथ ऑन करते हो डिवाइस कनेक्ट करते हो तो इट माइट अलाउ दी हैकरस जब आप डिवाइस पेयर कर रहे हो टू गेन एक्सेस टू योर ब्लूटूथ एनेबल्ड डिवाइस अब ये नहीं है कि ये सिर्फ फोन में होगा ऑब्वियसली बलूटूथ है तो इट कैन टारगेट द डिवाइज लाइक फोनस टैबलेट्स लैपटॉप्स इवन ईयरफोन स्पीकर स्मार्ट वॉचेस कुछ भी हो सकता है ये बेसिकली इट इज़ कंडक्टेड बाय अ सिक्योरिटी फ्लॉ इन द ब्लूटूथ प्रोटोकॉल जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि जब देखो ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए जैसे वॉर्ना क्राइ पेट्या ये क्या है यूपीएससी ने 2018 में सवाल पूछ लिया था अभी हम जैसे भी ऐसे सिक्योरिटी रिलेटेड ऐसे रैंसम वेयर्स के बारे में पढ़ रहे हैं ये टर्म्स आपको याद होनी चाहिए कि, कि किससे एसोसिएटेड है रही बात इसकी तो यहाँ पर एक बार द फोन इज़ ब्लू बाग तो हैकर कैन टेक लिसन टू द कॉल्स रीड द मैसेजेस सेंड द मैसेजेज मॉडिफाई द कॉन्टैक्ट स्टील द कॉन्टैक्ट वही सब कुछ उनके पास चला गया राइट right? सो इट इट इज़ अ थ्रेट टू द लेपटॉप लेकिन हाँ कुछ प्रिवेंशन हो सकता है बिल्कुल हो सकता है जैसे आप वाईफाई जो पब्लिक स्पेसिस पे है वो मत यूज़ करो और उसके बाद ब्लूटूथ को यूज़ करके ऑफ करो ऑन नहीं रहने दो ब्लू बगिंग अटैक्स जो हैं बेसिकली दे आर फॉर द ब्लूटूथ एनेबल्ड डिवाइस जहाँ पर जैसे ब्लूटूथ जो है जैसे दस मीटर के रेडियस पे काम करता है हैकर लेकिन अगर हो सकता है इट माइट हैपन दैट हैकर ट्राइज टू पेयर विद विदाइस वाई आर ब्लूटूथ थोड़ा रेडियस अगर एक्सटेंड भी हो जाए तो एक बार कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया तो हैकर्स कैन यूज द ब्रूट फोर्स अटैक्स टू बाईपास दथेंटिकेशन तो यहाँ पर वो फिर क्या करेंगे मालवेयर इंस्टॉल करेंगे इन द डिवाइस टू गेन दी अनऑथोराइज एक्सेस टू इट यही होता है हमेशा लेकिन हाँ प्रिवेंशन है ब्लूटूथ बंद करो एंड वेन इट इज़ नॉट इन यूज डिसकनेक्ट द पेयड ब्लूटूथ डिवाइसेज अपडेट करो अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर को टू द लेटेस्ट वर्जन पब्लिक वाईफाई का लिमिटेड यूज करो यूजिंग वीपीएन एज दी एडिशनल सिक्योरिटी मेजर सो ये सब कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं दैट यू कैन टेक ठीक है अगला आर्टिकल है दैट इज रिगार्डिंग अंजी खत ब्रिज जम्मू एंड कश्मीर में ये ब्रिज है आप देख सकते हो पहला केबल स्टेट ब्रिज है पूरा ब्रिज जो है केबल स्टेड है केबल्स हैं यहाँ पर जिससे ये ब्रिज रुका हुआ है टिका हुआ है सो फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज की कम्पलीशन प्राइम मिनिस्टर प्रेसड इट क्योंकि बहुत बड़ी बात है ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि बहुत कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है बहुत मुश्किल होता है ऐसे लोकेशन पे बनाना हिमालयाज है तो अंजी ब्रिज पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है कंट्री के अंदर जो कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलिंग प्रोजेक्ट का पार्ट है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ ब्रिज को बिल्ड कर रही है एंड द ब्रिज कंस्ट्रक्शन हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू मेनी सेगमेंट्स तो ये कुछ तीन सेगमेंट्स हैं जैसे सेगमेंट वाइज आपने कंस्ट्रक्शन जैसे हुई उस हिसाब से आपने डिवाइड डिवाइड किया क्योंकि देखो ये जो ब्रिज है इसकी लोकेशन देखो जम्मू एंड कश्मीर का जिस टेरेन पे बना हुआ है तो अर्थक्वेक्स की ग्रेट इंटेंसिटी को भी ये ब्रिज विदस्टैंड कर सकता है स्ट्रॉन्ग विंड्स ऑफ अप टू 266 किलोमीटर पर आर ये ब्रिज उसको भी विदस्टैंड कर सकता है थर्टीन मतलब थाउजेंड एंड थ्री फिफ्टीन में थर्टीन हंड्रेड एंड फिफ्टीन मीटर लॉन्ग ये ब्रिज है जिसकी हाइट थ्री थर्टी वन मीटर्स है आफ्टर द रिवर बेड टू कनेक्ट कटरा विद रियासी इन कश्मीर रेल लिंक प्रोजेक्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस ब्रिज के अंदर आपको सपोर्ट मिला है स्लोवाकिया से कंट्री है दिस रेल ब्रिज इज सपोर्टेड बाई नाइन्टी सिक्स केबल्स मेड इन स्लोवाकिया चेनाब रिवर ऑब्वियसली ट्रिब्यूटरी है जी उसकी सो इट इज़ द वर्ल्ड हाइस्ट रेल ब्रिज ओवर चेनाब रिवर रिवर आ गई ना तो आज आप इंडस रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ोगे ये आपके लिए होमवर्क है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं कोई भी रिवर न्यूज में आती है मेक श्योर sure करो कि आप साथ साथ उसको कवर करते जाओ राइट रिवर्स यूपीएससी का बहुत ही एक फेवरेट टॉपिक है अगर आप देखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सो मेक श्योर कि जैसे कभी एक रिवर आई फिर दूसरी किसी दिन फिर तीसरी किसी दिन सो so एक एक दिन भी अगर ऐसे जो न्यूज में रिवर्स आ रही हैं आप वो कवर कर रहे हो जो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बट शर्त यही है कि आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो तो क्योंकि यहाँ पर हमें नहीं पता आप कर रहे हो या नहीं बट अगर स्पून फीडिंग से बाहर आओगे सेल्फ इंटरेस्ट है सो so डेफिनेटली अगर आप सीरियस एस्पेरेंट हो तो जो होमवर्क मिलता है शिद्दत से उसको डेली उसी दिन कवर किया करो ये आपको बहुत हेल्प करेगा आगे जाके ठीक है अब यहाँ पर ग्रोथ ऑफ इथेनॉल सेक्टर हैज़ बीन टर्मेंडस तो ये बेसिकली वाइल एड्रेसिंग टू अ सेमिनार जो मिनिस्टर uh, हैं श्री पीयूष गोयल जी उन्होंने एड्रेस किया और बताया तो हमारे लिए इथेनॉल सेक्टर की ग्रोथ अगर हो रही है तो इथेनॉल क्या है ये पता होना चाहिए इथेनॉल बेसिकली इज एन एग्रीकल्चर बाई प्रोडक्ट कैसे बना है इट इज़ ऑप्टेन फ्रॉम द प्रोसेसिंग ऑफ शुगर फ्रॉम शुगर किन उसके अलावा राइस हस्क मेज ये भी सोर्सेज हैं इथेनॉज प्रोड्यूस फ्रॉम प्लांट्स दट हारनेस द पावर ऑफ द सन इट इज़ ऑलसो कंसीडर्ड एक रिन्यूएबल फ्यूल है ये इट इज मेनली प्रोड्यूस फ्रॉम शुगर के इन मोलासिस बाई फरमेंटेशन प्रोसेस तो बेसिकली देखो इथेनॉल एक फ्यूल है ना दैट इज मेड फ्रॉम प्लांट्स लाइक शुगर केन मेज राइस हस्क इन सब एंड इट इज प्रोड्यूस फ्राम शुगर के मोलासिस थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड एक रीन्यूएबल फ्यूल है आप इसको पेट्रोल के साथ कंबाइन करते हो इथेनॉल ब्लेंडिंग उसको बोलते हैं वेयर यू आर कंबाइनिंग इथेनॉल विद द पेट्रोल ताकि पेट्रोल का लेस यूज हो फॉसिल फ्यूल्स का लेस यूज हो एनवायरमेंट कंसर्न्स आपका इंपोर्ट भी कम होगा राइट तो यहाँ आर्टिकल में मेंशन है कि गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं टू सप्लीमेंट द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल अगर आप सिर्फ एक ही सोर्स पे रहोगे तो वो भी नहीं होना चाहिए कि सोर्स पे डिपेंडेंट शुगर केन से राइट सो दैट इज वन जी इथेनॉल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ परमिटेड द प्रोक्योरमेंट ऑफ इथेनॉल प्रोड्यूस फ्राम सोर्सेज अदर देन शुगर केन मोलासिस जो कि अगर आप यहाँ से ले रहे हो फ्राम शुगर केन मोलासिस दैट इज़ वन जी इथेनॉ सो यहाँ के अलावा वो तो है ना डाइवर्सिफिकेशन होना एक ही चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं रहना है सो बाय अलाउिंग द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल फ्राम टू जी सोर्सेज जैसे कि सेकेंड जनरेशन इथेनॉल सोर्सेज जैसे आप बोल सकते हो राइस स्ट्रॉ वीट स्ट्रॉ बैम्बू वुडी बायोमास यहाँ से अगर एक्सट्रैक्ट कर रहे हो यू आर प्रोड्यूसिंग इथेनॉल देन दैट कम्स टू बी ऑर टू जी तो uh, यही बात है कि यू रिड्यूज द डिपेंडेंट ऑन द सिंगल सोर्स सच सचा शुगर केन एंड रिड्यूज द इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट एज वेल इसी के रिगार्डिंग ये बात हुई इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम 2003 में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने लॉन्च किया था टू प्रमोट द यूज़ ऑफ ऑल्टरनेटिव एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल्स पहले प्रोग्राम का टारगेट था पाँच परसेंट की ब्लैंडिंग हो इथेनॉल की पेट्रोल के अंदर फिर उसको दस परसेंट करा जिसको आपने अचीव करना था ट्वेंटी ट्वेंटी टू तक फिर हमने ये भी अचीव किया तो हमारा गोल बना कि अब बीस परसेंट की ब्लैंडिंग करेंगे बाय ट्वेंटी थर्टी राइट लेकिन अभी हमने इस ट्वेंटी थर्टी के टारगेट को डेडलाइन को और ज़्यादा एडवांस कर दिया है और ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव का टारगेट रखा है कि अपने को ट्वेंटी परसेंट इथेनॉल ब्लैंडिंग ई ट्वेंटी कि हम बात कर रहे हैं बाय 2025 ठीक है ये थे कुछ आर्टिकल्स जो आपके प्रिलिम्स और मेंस दोनों से इंपॉर्टेंट हैं अब हम बात करते हैं हमारे एक एडिटोरियल की जो कि है रिगार्डिंग दी गारंटेड पेंशन इज नॉट बैड इकोनॉमिक्स तो यहाँ पर आर्टिकल ये मेंशन करता है कि ये जो आप एक ओल्ड पेंशन सिस्टम है एक न्यू पेंशन सिस्टम है न्यू पेंशन सिस्टम में अगर आप आ जाते हो एंड नाउ द स्टेट्स आर गोइंग बैक लाइक राजस्थान के अंदर और छत्तीसगढ़ में अगर आप ओपीएस ओल्ड पेंशन पे जा रहे हो सो तो ये बेसिकली आपकी इकोनॉमिक्स के लिए अच्छा नहीं है अच्छा है अच्छा नहीं है वो बात तो बाद में होगी जब तक हमें यही नहीं पता कि ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है कुछ नहीं है बहुत सिंपल है ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर क्या होता है ना आप गवर्नमेंट जो है मैं आपको बेसिक डिफरेंस बता रही हूँ कि वो रिटायरमेंट होती है सबकी होगी ओल्ड पेंशन सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट यूज टू प्रोवाइड फिक्स अमाउंट ऑफ पेंशन टू आफ्टर देयर रिटायरमेंट राइट तो यहां पर देखो 50% परसेंट ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी गवर्नमेंट देगी तो जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बेसिक मंथली सैलरी है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वॉज रुपीज टेन थाउजेंड सो दन विल गेट एश्योर्ड पेंशन मिलेगी पांच हजार की फिफ्टी परसेंट ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी राइट लेकिन दिक्कत यह है कि ये एक फाइनेंशियल लाइबिलिटी हो गई ना सरकार के ऊपर अगर यहाँ पर सरकार खर्चा करेगी तो बाकी एक्सपेंडिचर्स में जो आप पैसा एलोकेट कर रहे हो टू द पुअर टू द मार्जिनलाइज सेक्शन वहाँ पे आपको कटौती करनी पड़ेगी राइट right? इसीलिए बोला जा रहा है कि आप ये वापस स्विच तो कर रहे हो स्विच क्यों कर रहे हैं वो भी अभी बताते हैं न्यू पेंशन स्कीम के अंदर क्या है एनपीएस के अंदर सबसे पहले तो जो एम्प्लॉय है वो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है टेन परसेंट ऑफिस सैलरी लेकिन गर, वहां तो क्या है गरेंटेड पेंशन आपको फिफ्टी परसेंट गारंटेड पेंशन है यहाँ वो गारंटेड नहीं है अंडर द न्यू पेंशन सिस्टम द अमाउंट दैट इज इन्वेस्टेड द अमाउंट ऑफ पेंशन इट डिपेंड्स अपॉन जैसे आपने स्टॉक मार्केट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आगे पैसा इन्वेस्ट हो गया सो द अमाउंट ऑफ पेंशन दैट एन इंडिविजुअल रिसीव वो डिपेंड करता है हाउ वेल दोज इन्वेस्टमेंट्स परफॉर्म है ना सो so, ये टेड रिटर्न तो आपको नहीं मिल रहा है डिपेंड्स अपॉन मार्केट ऑल्सो मार्केट हेयर हैज द रोल टू प्ले एज द अमाउंट आर इन्वेस्टेड सो द अमाउंट इन्वेस्टर्स जो हैं जितना मतलब इट डिपेंड्स गारंटेड नहीं है कि 50 परसेंट मिलेगा ही मिलेगा जबकि यहां पर कॉन्ट्रीब्यूशन 10 परसेंट सैलरी का जा रहा है तो यही आर्टिकल के अंदर मैंशन है कि विद मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट्स अनाउंसिंग द रिवर्जन टू द ओल्ड पेंशन स्कीम सम मोर एंड सम मोर स्पेक्यूलेटिंग टू डू द सेम कि और भी स्टेट्स ऐसा सोच रही हैं ये डिबेट जो है वो शुरू हुई जिसमें मोस्ट ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये आपकी इकोनॉमिक्स के लिए अच्छा नहीं है दैट इज बैड इकोनॉमिक्स ऑन टू ग्राउंड्स पहला वो जिसमें आपको गारंटेड रिटर्न फिफ्टी परसेंट का मिल रहा है स्टेट हैज टू बियर फुल बर्डन ऑफ द पेंशन फिजिकल फिजिकली अनसटेनेबल है ये कि आप इसको लंबे समय तक चलाओगे ये दिक्कत आएगी क्योंकि देर विल भी अनसस्टेनेबल राइज इन द पेंशन बजट के अंदर पेंशन एलोकेशन के लिए पैसा देना पड़ेगा और बहुत ही लम्बा बड़ा जो कि अनसस्टेनेबल है क्यों क्योंकि फिर आप यहाँ तो पैसा फालतू फालतू इन देंस यहाँ अगर आप पैसे का नंबर बढ़ रहा है तो यू हैव टू डू सम यू कैन कम एट द कोस्ट बाय जो बाकी आपके एक्सपेंडिचर्स हैं लाइक एलोकेटिंग टू द पुअर एंड मार्जिनराइज सेक्शन वहाँ यू हैव टू डू सम्रेसिंग राइट सो दैट इज द इशू अब इसका सॉल्यूशन कैसे आ सकता है आर्टिकल में मेंशन है कि लेट्स कम टू मिडवे वे कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम जिसके अंदर एम्प्लॉय जो है वो दस परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है लेकिन जैसे वो मार्केट फ्लक्चुएशन पे डिपेंडेंट है नहीं मान लो थर्टी परसेंट रिटर्न मिल गया थर्टी परसेंट जो है वो दैट की तो आर्टिकल ये कहता है वो फिफ्टी परसेंट पेंशन था थर्टी परसेंट मिल गया सो so, जो डिफरेंस है वो गवर्नमेंट दे देगी ये कहना है कि स्टेट दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटरी गारंटेड पेंशन स्कीम कि ऐसा कर सकते हैं स्टेट पेज एन एडिशनल बैलेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द फिफ्टी परसेंट पेंशन एंड द थर्टी परसेंट मार्केट डिटरमाइंड पेंशन अमाउंट तो ट्वेंटी परसेंट जो है बाकी दैट विल बी बाई बैलेंस्ड अप्रोच जो है वो लाई जा सकती है ये इस आर्टिकल के अंदर मैंशन किया गया है ठीक है अगला जो आर्टिकल है दैट इज़ रिगार्डिंग ब्लिंकेट वर्कर्स और ये क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं चलो आई आए वो पढ़ते हैं इसको ग्रॉफर सुना होगा जिसका नाम ब्लिंकेट हो गया जोमेटो ने ऑन कर लिया प्रोटेस्ट इसलिए चल रहा है क्योंकि ये बात हो रही है कि पहले जो है इनका जो पे आउट सिस्टम था वो चेंज हो गया है अर्लियर दे गेटिंग ट्वेंटी फ़ाइव रुपीज़ बट नाउ दे आर गेटिंग ट्वेंटी फ़ाइव के फ़िफ्टीन रुपीज़ राइट द मिनिमम पे आउट पर डिलीवरी तो जिसके चलते दे आर अर्निंग लाइक सिक्स हंड्रेड टू सेवन हंड्रेड अ डे जहां पर पहले दे आर अर्निंग ट्वेल्व हंड्रेड बिफोर राइट तो इसको लिंक करते हुए यहाँ पर आर्टिकल पहले ही बता रहा है कि गिग वर्कर गिग इकोनमी क्या है वो वर्कर दैट दैट आर आउटसाइड दी ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप तो वह बताती हूँ अभी क्या बात है सो देर आर टू ग्रुप्स ऑफ गिग वर्कर्स प्लेटफॉर्म वर्कर्स एंड नॉन प्लेटफॉर्म वर्कर्स प्लेटफॉर्म वर्कर्स मतलब कि आप लगा लो जैसे ओला uh, ऊबर तो यहाँ पे क्या हो रहा है प्लेटफॉर्म वर्कर्स जो हु यूज़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और एप्स टू कनेक्ट विद द कस्टमर्स राइट और नॉन प्लेटफॉर्म वर्कर्स में गिग वर्कर्स वो हु डू नॉट यूज दीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक फॉर द सममन हु इज़ अ वेटर टेम्परेरली वर्किंग एंड इन इन अ रेस्टोरेंट सो दैट इज़ अ नॉन प्लेटफॉर्म वर्कर सो गिग इकॉनमी बेसिकली एक फ्री मार्केट सिस्टम है जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होते हैं शॉर्ट टाइम स्पैंड के लिए होते हैं जैसे फ्री लांसर्स हो जाते हैं काम है तो है सो देर द पोजिशन इज टेम्प्रेरी टू मीट द कंपनीज रिक्वायरमेंट्स ओवर शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट स्टार्टअप जैसे ओला जोमैटो स्विगी उबर दे हैव एस्टेब्लिश देमसेज एज अ मेन सोर्स ऑफ द गिग इकोनॉमी इन इंडिया राइट सो ये है बात यहाँ पर लेकिन दिक्कत यह है कि गिग वर्कर्स नाउ डिबेट इज कि देखो इंडिया के अंदर एम्प्लॉयज आर एंटाइटल होस्ट ऑफ बेनिफिट्स अंडर द स्टैच्यूज ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट है प्रोविडेंट फंड मिसलिनियस प्रोविजंस एक्ट है कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स आर गवर्न अंडर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट राइट लेकिन गिग वर्कर का एक यूनिक नेचर है या तो ना तो ये एम्प्लॉय वाली कैटेगरी में है ना मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंट कैटेगरी के कॉन्ट्रैक्टर्स के अंदर आ सकते हैं सो एज अ रिजल्ट गिग वर्कर्स हैव लिमिटेड है so, ये बात हो रही है सो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट दे इंट्रोड्यूस अ लॉ इंट्रोड्यूस द कॉड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, जिसके अंदर गिग वर्कर्स को एम्बिट में इसके लाया गया पहली बार जिसमें बताया कि गिग वर्कर एक वो पर्सन है हु परफॉर्म्स और वर्क्स और पार्टिसिपेट्स इन द वर्क अरेंजमेंट अर्न फ्रॉम सच एक्टिविटीज आउटसाइड द ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप राइट right. लेकिन देखो अगर इस लेकिन बाकी चीज़ें अगर मैं बात करूँ तो एम्प्लॉयज बाकी जो हैं उनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलती हैं पीएफ है एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन है मेटर्निटी बेनिफिट्स है, होते हैं जो गिग वर्कर्स को नहीं मिलते हैं इवन आप देखो कि दे आर दे आल्सो कैन नॉट क्रिएट लीगली रिकोगनाइज यूनियंस ऑल्सो सो ये एक बात है यहाँ पर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप साइज देखो गिग इकोनोमी का इन uh, इंडिया in उसकी अगर मैं बात करूँ तो वह भी बात करते हैं सो द पेटिटेशन अभी दे वॉज अ न्यूज दैट डिमांडेड दैट गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स भी डिक्लेयर अनऑर्गेनाइज वर्कर सो दैट दे कैन बी इन द परव्यू ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट लेकिन ये भी नहीं क्योंकि देखो आज हम चाहते हैं कि ऑर्गेनाइज वर्कर्स हों जहाँ पर ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में क्या फ़र्क है ऑर्गेनाइज के अंदर आपको प्रॉपर आप जैसे किसी कॉर्पोरेट या किसी कंपनी में काम करते हो तो आपको मेटर्निटी लीज आपका पी होता है कटता है तो यू आर एट अ मोर सेफर एंड सिक्योर एंड राइट यू आर गेटिंग सर्टेन सिक्योरिटी बेनिफिट्स तो अनऑर्गेनाइज में वैसा नहीं हो और रही बात गिग इकोनॉमी की तो गिग इकोनॉमी इन इंडिया देर आर स्टडीज स्टडीजी में गिग वर्क फोर्स इज एक्सपेक्टेड की दो हजार लाइक ट्वेंटी ट्वेंटी थर्टी में इट इट कैन बी एक्सपेंडेड टू 2.35 करोड़ वर्कर्स सो चैलेंजेस जो हैं गिग वर्कर्स के अंदर दैट आर फेसिंग लो वेज हो गई अनइक्वल जेंडर पार्टिसिपेशन राइट सो गिग वर्कर्स आर टिपिकली हायर्ड बाय कंपनीज़ ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस दे आर नॉट कंसीडर्ड देयर एम्प्लॉयज सो ये कुछ इश्यूज़ हैं और हम क्या कर सकते हैं इसके विद रिस्पेक्ट टू में तो कोई वे फॉरवर्ड है तो वो आप जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर एंड विल सी कि आप क्या कहते हो आपकी क्या राय है आपका क्या ओपिनियन है सो so, ये सेशन के लिए इतना ही आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कर साइनिंग ऑफ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन जो मैंने आपसे पूछा है और जो होमवर्क है उसको जरूर कर लेना इफ़ यू आर लाइकिंग दिज सेशन डोंट फॉरगेट टू लाइक इट शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन टिल देन टेक केयर एवरी वन गुड लक गुड विशेज हैप्पी लर्निंग